हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एक आसूस का सेट आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है आसूस जेनफोन 5। ठीक है दोस्तों, इसका एक्चुअल मॉडल नंबर क्या है मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें इसका बैक पैनल ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बैक पैनल ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से तो मे बी देखिए आसूस T00J इसका मॉडल नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसका इसमें लॉक लगा पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि हम इसको देख रहे हैं, सॉरी बैक पैनल अच्छे से बंद नहीं हुआ था। तो देख जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका बैटरी निकलती नहीं है और इसमें लॉक लगा पड़ा है। अब इसका लॉक कैसे तोड़ेंगे ये मैं आपको आज आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैंने बहुत बार ट्राई करा, लॉक तो खुल नहीं रहा, तो मैं आज आपको इसका लॉक तोड़ना बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसका लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखिए, पावर ऑफ पे क्लिक कर दिया एंड ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब ये फ़ोन आपका ऑफ हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, पावर बटन को एंड वॉल्यूम अप बटन को ध्यान से देखिए, पावर अप बटन को, ये पावर अप बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा और कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। अब देखिए कुछ इस तरीके का आपको लोगो दिख नज़र आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना रिकवरी मोड पे। क्या करना पड़ेगा, रिकवरी मोड पे चले जाना। सबसे पहले आपको करना है वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है एंड एक बार और वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है और आपको पावर बटन दबा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये रिकवरी मोड में ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऑन हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में, आपको कोई बटन प्रेस नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, और भी किसी तरीके का लॉक या FRP से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का जो ब्लिंक कर रहा है थोड़ा सा मेरे फ़ोन के डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, ये ठीक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को एक साथ दबा देना है एंड पावर बटन को दबा देनी, सॉरी देखिए ये दोनों बटन को एक साथ दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, दबाने के बाद आपको क्या करना, सिंपली वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रिसेट पे वॉल्यूम डाउन से चले जाना है एंड पावर बटन दबा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब इस पूछ रहा कि डिलीट ऑल डेटा, तो डिलीट ऑल डेटा का मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोन में कोई फोटोज़ वीडियोज़ या कोई भी चीज़ मतलब डेटा होगा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर एक ओके कर देंगे हम और ये इरेज हो रहा है, सारा डेटा आपको डिलीट हो रहा है। अब अगेन आपको क्या नेक्स्ट करना है, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब अगेन नीचे चले जाना आपको एंड वाइप कैच पार्टीशन लिखा हुआ है, इस पर पावर बटन दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, पावर बटन दबाने के बाद रिबूट सिस्टम नाउ कर देंगे पावर बटन प्रेस करके। अब ये फ़ोन आपका ऑन हो रहा है, अब बूट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है तो आप घबराएं नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा फ़ोन, मैं कोई बटन नहीं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये सिंपली आपका फ़ोन ऑन होगा और बूट होगा। ठीक है दोस्तों, आपका फ़ोन कभी कभी इस तरीके के भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके फ़ोन में तो आप हार्ड रिसेट कर देंगे इसको हार्ड रिसेट कहते हैं एक्चुअली। दोस्तों ध्यान रहे कि अब कभी कभी इस तरीके का लोगो आता था, जब मेरे पास ये फ़ोन आया हुआ था तो इसमें प्रॉब्लम यही थी कि इस तरीके का केवल घूमता रहता था, ये मतलब इस तरीके का लोगो दिखाता रहता था। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम यही आती थी कि इस तरीके का लोगो आने के बाद कस्टमर मुझसे बताया कि इस तरीके का, तो मैं बोला ठीक है सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर करना नहीं पड़ा एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ा बिकॉज इसका हार्ड रिसेट कर दिया गया और ये फ़ोन सही हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, इसको हार्ड रिसेट कर देने से ये प्रॉब्लम चली जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखें। कभी कभी सॉफ्टवेयर ही करना पड़ता है, बट इस मेरे केस में इसको सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्चुअल बातें हैं वही मैं आपको बताऊँगा।
ठीक है दोस्तों, इसी भी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप एक्सपर्ट बन सकें। ठीक है दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं हर तरीके के लॉक तोड़ना मैं एक्सपर्ट बना दूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा कर पाऊँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई विद इन 15 मिनट के अंदर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में कोई भी गलती होती उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और जो भी नॉइस आ रही हो उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा आप लोगों से दोस्तों। तो ये फ़ोन कुछ टाइम ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वेट करता हूँ। तो देखिए मे बी ये फ़ोन ऑन भी हो चुका है। ये इस तरीके का जो डिस्प्ले ग्लिच कर रहा है ये थोड़ा सा मेरे फ़ोन के डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है, तो आप घबराए नहीं कि आपके फ़ोन में भी ऐसा कुछ होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा आपके फ़ोन में, बस सिंपली आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा और ये आपका फ़ोन का लॉक टूट चुका होगा। मे बी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एंड्रॉयड इज अपग्रेडिंग करके कुछ आएगा और आपको स्टार्टिंग ऐप्स दिखा रहा हूँ, सब कुछ बूट फिनिशिंग कर रहा है और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है वेलकम का। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, आप मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर रखा है। आप जो जहाँ जो भी कंट्री से हैं आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर पूछ रहा कि इंग्लिश सेलेक्ट करने के लिए, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। एंड अगेन ये पूछ रहा वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो मुझे वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है तो नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, एंड अगेन नेक्स्ट कर दूंगा, वाईफाई से कनेक्ट नहीं करूंगा, नो पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों, एंड नॉट नो पे क्लिक कर दूंगा, एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, एंड अगेन नेक्स्ट पे। यहाँ से पूछ रहा है कि आप इसके टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करना चाहेंगे, तो यस एग्री करके उसके बाद ये बोल पूछ रहा है कि क्या आप ओल्ड डेटा अपने फ़ोन का ओल्ड डेटा इसमें इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो इसका यहाँ पे स्किप ट्रांसफ़र पे क्लिक करके सही के निशान पे क्लिक कर देना है और ये फ़ोन आपका सिम ऑन हो चुका है, एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगा। और मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सा मॉडल हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसका अबाउट डिवाइस में जाके। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका मॉडल नंबर है आसुस T00J, एंड्रॉयड वर्जन 4.4.2। ठीक है दोस्तों, तो इसका मॉडल नंबर ये है। और वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब कुछ चल रहा है प्रॉपर।